सो द बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 50,000। अब ये जो 50,000 का बजट है ना, उसमें आपको चार प्रोसेसर्स मिलते हैं, i3, Ryzen 3, i5 एंड Ryzen 5। अब इन चारों में से आपके लिए कौन सा प्रोसेसर बेस्ट है वो आपको मैं बताऊंगा। एंड जो लैपटॉप्स आपको बिना एक्सपेंडेबल रैम एंड स्टोरेज के मिले उनके बारे में तो हमने सोचना ही नहीं है, बहुत से ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है गाइस। अब एक और चीज है कि जितने भी लैपटॉप्स आपको सिर्फ HDD स्टोरेज के साथ मिलते हैं उसे तो बिल्कुल भूल ही जाओ, चाहे 14 इंचेस और चाहे 15 इंचेस। आपने अपने लैपटॉप पे स्टडीज करनी है, प्रोफेशनल वर्क करना है, एडिटिंग, कोडिंग एंड गेमिंग वगैरह, आपने कुछ भी करना हो सब कुछ बताऊंगा कि किस लैपटॉप पे आप क्या कर सकोगे। मिस नहीं करना एंड वीडियो को पूरे ध्यान से देखना। ओके, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स चेक आउट द बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 50,000 रुपीस इन 2022। सबसे पहला लैपटॉप जो कि आपको 50,000 के बजट में मिलेगा, दैट इज डेल न्यू 2021। ये जो डेल का लैपटॉप है ये रिसेंटली लॉन्च्ड इंस्पिरॉन 3511 मॉडल है। करंट प्राइस अराउंड 49,000 रुपीज है एंड लैपटॉप में इंटेल कोर i3 11 जनरेशन प्रोसेसर है, एकदम लेटेस्ट एंड पावरफुल। आई नो अभी आपका क्वेश्चन होगा कि भाई 50,000 में तो i5 इजीली मिल जाता है तो फिर i3 क्यों बता रहे हो? बिकॉज ये जो i3 है ना वो 4 कोर्स वाला प्रोसेसर है विद 8 थ्रेड्स एंड मोस्टली आपको जो i3 प्रोसेसर्स मिलते हैं वो 2 कोर्स में मिलते हैं। सो ये काफी तगड़ा प्रोसेसर है। प्रोसेसर की बेस क्लॉक स्पीड है 2 GHz एंड मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है 3.7 GHz की। 8 MB L3 इसकी कैशे मेमोरी है एंड एक और काफी स्पेशल चीज है इस लैपटॉप में जो कि आपको इस बजट के शायद दूसरे किसी भी लैपटॉप में ना मिले, एंड दैट इज कि इसमें आपको 16 GB की रैम मिलती है। बाकियों के कंपैरिजन में सीधा डबल रैम है इसकी, 3200 MHz की रैम है एंड रैम एक्सपेंडेबल भी है इसकी। इसमें आपको एक एक्स्ट्रा एम्प्टी स्लॉट मिलेगी जिसे यूज करके आप इस लैपटॉप में 32 GB तक रैम को इजीली एक्सपेंड कर सकते हो। एंड जो स्टोरेज है वो भी एकदम कमाल की है इसकी, 256 GB की NVMe SSD के साथ ही 1 TB HDD 5400 RPM वाली। मतलब कि स्टोरेज वाइज भी अगर इसे देखें तो इस लैपटॉप से बढ़िया और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। एंड दिस स्टोरेज इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल ऑफ दिस लैपटॉप। इंटेल के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स एंड डेल के इस लैपटॉप में आपको फुल साइज डिस्प्ले मिलती है 15.6 इंचेस की, फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले विद 220 निट्स ऑफ ब्राइटनेस एंड 45% NTSC। लैपटॉप में आपको एकदम लेटेस्ट विंडोज 11 मिलती है प्री इंस्टॉल्ड एंड जो MS ऑफिस है वो भी आपको एकदम लेटेस्ट वर्जन मिलेगा 2021 विद लाइफ टाइम वैलिडिटी। ये भी आपको प्रीलोडेड मिलेगा, बस एक्टिवेट करने के लिए यू हैव टू लॉग इन विद योर माइक्रोसॉफ्ट और हॉटमेल अकाउंट। कनेक्टिविटी को देखें तो लैपटॉप में सारी रिक्वायर्ड पोर्ट्स मिल जाती हैं, बस एक टाइप सी पोर्ट मिसिंग है इस लैपटॉप में। इसी के साथ में डुअल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ। अब इस लैपटॉप के साथ आपको 32 GB की एक पेन ड्राइव फ्री मिलती है सैंडिस्क की। तो ऑल इन ऑल अगर मैं कहूँ तो ये लैपटॉप वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है विद i3 11 जनरेशन प्रोसेसर। अभी आप में से जिसे भी कोडिंग, अकाउंटिंग, वेब डिजाइनिंग, एडिटिंग ऑन फोटोशॉप या फिर VMware को इंस्टॉल करके वर्चुअल मशीन्स इंस्टॉल करनी है, ये सारी चीजें अगर आप अपने लैपटॉप पे बहुत ही बढ़िया से करना चाहते हो तो 16 GB की आपको रैम मिल रही है एंड मोर देन 1 TB स्टोरेज है इसमें। सो आप इस लैपटॉप को जरूर कंसिडर करना। एंड इन केस अगर आपको ये लैपटॉप अवेलेबल नहीं मिलता देन ऑलमोस्ट सारे स्पेसिफिकेशंस के साथ असूस का ये लैपटॉप अवेलेबल है तो उसे कंसीडर कर सकते हो। देखो दोनों ही लैपटॉप्स के जो माइनर डिफरेंसेस हैं वो सभी मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिए हैं, लेकिन एक मेजर फर्क है इसमें, दैट इज के असूस वीवो K15 की जो डिस्प्ले है ना वो इस बजट की दी बेस्ट डिस्प्ले है। इट इज एन OLED डिस्प्ले विद 400 निट्स ऑफ ब्राइटनेस। तो आप इन दोनों में से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी लैपटॉप आपको बेस्ट लगे जस्ट गो विद दैट ऑप्शन। एंड दोनों के जो बेस्ट फाइंडिंग्स हैं वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिए हैं। नेक्स्ट बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000 रुपीज इज HP 14। अब ये पूरी तरह से कॉम्पैक्ट लैपटॉप है जिसे भी एकदम हल्का एंड पावरफुल लैपटॉप चाहिए, विच इज वेरी इजी टू कैरी, देन इट इज लिटरली द बेस्ट लैपटॉप फॉर यू गाइस। करंट प्राइस अराउंड 51,000 रुपीज है लेकिन इजीली 50,000 में आपको मिल जाएगा 14 इंचेस की फुल HD IPS डिस्प्ले विद 250 निट्स ऑफ ब्राइटनेस एंड 45% NTSC। अब ये जो लैपटॉप है वो एक राइजन प्रोसेसर वाला लैपटॉप है, राइजन 5 5500U प्रोसेसर इसमें, 5th जनरेशन, एकदम लेटेस्ट एंड ये 6 कोर्स वाला प्रोसेसर है विद 12 थ्रेड्स एंड 8 MB L3 इसकी कैशे मेमोरी है। प्रोसेसर की बेस क्लॉक स्पीड है 2.1 GHz एंड जो मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है दैट इज 4 GHz। आपको इसमें 8 GB की रैम मिलती है DDR4 3200 MHz वाली। देखो लैपटॉप में आपको रैम के टोटल 2 स्लॉट्स मिलेंगे जिसमें से एक एम्प्टी स्लॉट होगा, उसे यूज करके आप इस लैपटॉप की रैम को 16 GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। एंड जो स्टोरेज मिलती है वो 512 GB की M.2 NVMe SSD है एंड इस
इसकी जो स्टोरेज है उसे आप 2 TB तक एक्सपैंड कर सकते हो। HP 14S में AMD Radeon Vega 7 ग्राफिक्स है और विंडोज 10 के साथ ही जो MS Office 2019 है वो भी आपको प्रीलोडेड मिलेगा इस लैपटॉप में विद लाइफ टाइम वैलिडिटी। कनेक्टिविटी ऑप्शंस में डुअल बैंड वाईफाई एंड ब्लूटूथ के साथ ही सारे नेसेसरी पोर्ट्स मिल जाते हैं, टाइप सी, USB टाइप ए, HDMI, बस इसमें ईथरनेट पोर्ट नहीं मिलेगा आपको। अब इसकी बैटरी बैकअप की बात करें, वैसे तो HP क्लेम्स के इसका बैटरी बैकअप 9 घंटे का है, बट ये आराम से 4 से 5 घंटे का बैटरी बैकअप देगा आपको ऑन नॉर्मल यूजेज। बहुत ही लाइट वेट लैपटॉप है, इट वेज ओनली 1400 ग्राम्स एंड ये मेरे लिस्ट के बाकी सभी लैपटॉप्स के कंपैरिजन में से सबसे हल्का लैपटॉप भी है। इट इज वेरी इजी टू कैरी, आपने इसे जरूर कंसीडर करना है क्योंकि 14 इंचेस के साइज में एकदम पावरफुल लैपटॉप आपको मिल रहा है कंप्लीटली लाइट वेट। एंड नेक्स्ट बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000 रुपीज इज लिनोवो आइडियापैड स्लिम 3। करंटली 52,000 रुपीज इसका प्राइस है, लेकिन इजीली 50,000 में आपको ये लैपटॉप मिल जाएगा। अब एक चीज है, देखो इस बजट के आपको किसी भी दूसरे लैपटॉप में डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें आपको 2 GB का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड मिलेगा NVIDIA GeForce MX 330 GDDR5। सो आप में से जिसे भी अपने लैपटॉप पे थोड़ी बहुत ग्राफिक एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग और या फिर लो सेटिंग्स पे गेमिंग भी करनी है, देन उसके लिए ये लैपटॉप बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। 15.6 इंचेस की फुल HD IPS एंटीग्रेटेड डिस्प्ले है, जिसकी 250 nits की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC है। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें i5 का 10th जनरेशन प्रोसेसर है विद 4 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स, बेस क्लॉक स्पीड 1.6 GHz एंड मैक्सिमम क्लॉक स्पीड 4.2 GHz एंड 6 MB LTS की कैश मेमोरी है। आई नो 50,000 में आपको एक जनरेशन नीचे वाला प्रोसेसर मिल रहा है, लेकिन यार GPU भी तो है, तो प्राइस के अकॉर्डिंग लैपटॉप के स्पेक्स पूरी तरह से जस्टिफाइड है, तभी मैंने इसे इंक्लूड किया है। ओके, रैम एंड स्टोरेज को देखें तो लैपटॉप में 2666 MHz की 8 GB DDR4 रैम मिलती है, जिसे आप 12 GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। टोटल 8 GB रैम में से 4 GB रैम ऑनबोर्ड है और दूसरी 4 GB की रैम चिप है। इसमें 512 GB की NVMe SSD मिलती है एंड 2.5 इंच की स्लॉट भी फ्री मिलती है, जिसमें आप नॉर्मल SSD और HDD को इंस्टॉल कर सकते हो। लैपटॉप में आपको MS Office का लेटेस्ट वर्जन मिलेगा 2021 विद लाइफ टाइम वैलिडिटी एंड इसी के साथ में विंडोज 11 मिलेगी प्री इंस्टॉल्ड। टाइप सी एंड ईथरनेट पोर्ट इस लैपटॉप में मिसिंग है, बाकी सारी रिक्वायर्ड पोर्ट्स मिल जाती हैं, लाइक HDMI, टाइप ए, USB एंड ब्लूटूथ 5.0 और डुअल बैंड वाईफाई की भी सपोर्ट मिल जाती है। इन सभी चीजों के अलावा इस लैपटॉप में आपको प्राइवेसी शटर कैमरा मिलेगा एंड ये रैपिड फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। आई मीन 80% बैटरी सिर्फ 1 घंटे में चार्ज हो जाती है। एंड बैटरी बैकअप की अगर बात करें तो नॉर्मल यूजेज पे 4-5 घंटे का बैकअप, और अगर एडिटिंग या फिर गेमिंग करें तो 2-3 घंटे आराम से चल जाता है। लिनोवो के इस लैपटॉप में आपको 2 सालों की ऑन साइट वारंटी मिलती है। सो इन शॉर्ट ये लैपटॉप बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, स्पेशली जिसे थोड़ी बहुत गेमिंग और एडिटिंग के साथ ही अपने सारे रेगुलर काम करने हैं। डू कंसिडर इट। एंड इन केस अगर आपको सेम प्रोसेसर में एक कॉम्पैक्ट डिस्प्ले वाला लैपटॉप चाहिए, देन MSI मॉडर्न 14 इज द अल्टरनेट ऑप्शन ऑफ दिस लैपटॉप। इसमें आपको जो मेजर डिफरेंस मिलेगा वो स्क्रीन साइज का है एंड जो बाकी थोड़े बहुत माइनर डिफरेंसेस हैं वो सभी ऑलरेडी हाइलाइटेड हैं, तो वीडियो पॉज करके उन्हें आप चेक कर लो। दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अभी थोड़ा ध्यान दो, देखो अगले जो दोनों लैपटॉप्स है ना वो एकदम बेस्ट हैं। उनमें आपको लेटेस्ट प्रोसेसर मिलेगा, एक में इंटेल का लेटेस्ट प्रोसेसर है एंड दूसरे में राइजन का। This is HP 15. लैपटॉप का करंट प्राइस अराउंड 53,000 रुपीज है एंड दिस लैपटॉप कम्स विद 15.6 इंचेस ऑफ फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, स्क्रीन मैक्स 250 निट्स को सपोर्ट करती है अलोंग विद 45% ऑफ NTSC। अब इसमें आपको इंटेल कोर i5 11 जनरेशन एकदम लेटेस्ट एंड पावरफुल प्रोसेसर मिल रहा है, 2.4 GHz बेस एंड 4.2 GHz मैक्सिमम क्लॉक स्पीड। 4 कोर्स वाला प्रोसेसर है विद 8 थ्रेड्स, 8 MB L3 की कैश मेमोरी है। लैपटॉप में आपको टोटल रैम के 2 स्लॉट्स मिलेंगे जिसमें से एक फ्री होगा एंड इसमें 8 GB की DDR4 रैम है 3200 MHz की एंड द रैम इज एक्सपेंडेबल अप टू 16 GB। सेम बाकी तरह 512 GB की NVMe SSD एंड दी स्टोरेज इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। इंटेल आयरिस ग्राफिक्स, विंडोज 11 मिलेगी प्री लोडेड एंड इसी के साथ में जो MS Office 2019 है वो भी मिलेगा आपको प्री लोडेड विद लाइफ टाइम वैलिडिटी। डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, 2 USB Type-A, 1 USB Type-C पोर्ट, HDMI एक्सेट्रा एंड जो इसका बैटरी बैकअप है वो नॉर्मल है, अराउंड 4-5 घंटे का बैटरी बैकअप आपको इस लैपटॉप में इजीली मिल जाएगा। और हाँ, इस लैपटॉप में आपको बिल्ट इन अलेक्सा की भी सपोर्ट मिलती है।
टू ऑपरेट विद योर वॉइस कमांड्स। और एक चीज है, देखो इस लैपटॉप की जो बिल्ड क्वालिटी है वो एकदम सबसे बढ़िया है। थोड़ा बहुत अगर आप इसे रफली भी यूज करते हो देन इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट लैपटॉप है। आपको इंटेल का लेटेस्ट जनरेशन प्रोसेसर मिल रहा है विद ग्रेट बिल्ड क्वालिटी प्लस रैम एंड स्टोरेज बोथ आर एक्सपेंडेबल। अभी कई यूजर्स की ना प्रेफरेंस होती है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इंटेल का ही प्रोसेसर लेना है, तो मैं आपको इसी लैपटॉप के i5 11 जनरेशन के एक ही जगह पे दो अल्टरनेट ऑप्शंस बताता हूँ। फर्स्ट इज लिनोवो V15। इसमें आपको प्रोसेसर प्लस रैम एंड स्टोरेज ये सेम मिलती है। इसी के साथ में जो फर्क है वो है प्राइवेसी शटर कैमरा, रैपिड फास्ट चार्जिंग एंड 180 डिग्री हिंज मिलती है इसमें। मतलब कि इस लैपटॉप में आपको कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं। एंड दूसरा जो अल्टरनेट ऑप्शन है दैट इज रेडमी बुक प्रो, सेम स्पेक्स बस इसकी जो रैम दैट इज नॉट एक्सपेंडेबल। तो अगर आपने इंटेल का लेटेस्ट प्रोसेसर लेना है i5 11 जनरेशन, तो इन तीनों में से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना। तीनों में जो भी फर्क है वो आपके सामने है, वीडियो को पॉज करो, इन्हें अच्छे से चेक कर लो। एंड सभी के जो बेस्ट बाइंग लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड नाउ द बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000 रुपीज इज लिनोवो आइडियापैड 3। सबसे पहले इसके जो भी एडिशनल फीचर्स हैं वो देखते हैं। लैपटॉप में आपको एक बैकलेट कीबोर्ड मिलेगा विच इज अ फुल साइज कीबोर्ड अलॉन्ग विद नम पैड, प्राइवेसी शटर कैमरा, फिंगरप्रिंट सेंसर। एंड जैसे कि आपको बाकी सभी लैपटॉप्स में एक साल की वारंटी मिलती है, लेकिन इसमें आपको पूरे दो सालों की वारंटी दी गई है अकॉर्डिंग टू मी, विच इज अ ह्यूज प्लस पॉइंट। एंड ये लैपटॉप रैपिड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। सिर्फ एक घंटे में आपको 80% बैटरी चार्ज मिलेगी। आफ्टर दैट आपको इसमें विंडोज 11 मिलती है प्री लोडेड एंड साथ में MS ऑफिस का भी लेटेस्ट वर्जन 2021 विद लाइफ टाइम वैलिडिटी, डुअल बैंड वाईफाई एंड ब्लूटूथ 5.0, सभी नेसेसरी पोर्ट्स मिल जाती है, इंटीग्रेटेड AMD Radeon ग्राफिक्स एंड इस लैपटॉप की जो रैम एंड स्टोरेज है बोथ आर एक्सपेंडेबल। पहले तो इसमें आपको 8GB की DDR4 रैम मिलती है 3200 MHz की, जिसे आप 12GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। एंड उसके बाद 512GB की M.2 NVMe SSD स्टोरेज विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। ये भी फुल साइज डिस्प्ले वाला लैपटॉप है, 15.6 इंचेस की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलती है इसमें विद 250 निट्स ऑफ ब्राइटनेस एंड 45% NTSC। प्रोसेसर इसमें आपको मिलेगा AMD Ryzen 5 5th जनरेशन 5500U। प्रोसेसर की सारी डिटेल्स आपके सामने है, तो मेरे अकॉर्डिंग हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप है ये। आपने इसे जरूर जरूर कंसीडर करना है, बिकॉज इस बजट के आपको किसी भी लैपटॉप में एकदम जो सबसे मैक्सिमम फीचर्स मिल सकते हैं वो सब कुछ आपको लिनोवो आइडियापैड 3 में मिल रहा है। सो डू कंसीडर इट। एंड बिल्कुल ही डिटो स्पेसिफिकेशंस में अगर आपको 14 इंचेस में एक लैपटॉप चाहिए देन आप HP 14S को कंसीडर करना, क्योंकि देखो दोनों ही लैपटॉप्स में बहुत ही माइनर डिफरेंसेस हैं, लेकिन वो जो डिफरेंसेस है ना वो लैपटॉप की परफॉर्मेंस पे कोई असर नहीं करते। दोनों में आपको सेम प्रोसेसर, रैम एंड स्टोरेज मिल रही है, तो परफॉर्मेंस वाइज दोनों एकदम तगड़े लैपटॉप्स हैं। अब चाहे आपको 14 इंचेस में या फिर 15 इंचेस में, किसी भी स्क्रीन साइज में आपको राइजन का एकदम लेटेस्ट एंड पावरफुल लैपटॉप चाहिए, आप इन दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हो। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो या दीज आर द बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 50,000 रुपीस इन 2022। सभी लैपटॉप्स एकदम यूनिक है एंड इन सभी लैपटॉप्स में से आपको जो भी लैपटॉप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट लगे उसे आप